फैज़ एक्सप्रेस बोलना चाहूँगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से कैंडिडेट इंटरव्यू देके आ रही हैं और ये हमारी हिंदी उर्दू मीडियम की खास कैंडिडेट्स हैं और इनसे पूछेंगे, इनसे जो है बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरीन बानो है। अच्छा, तो आप कहाँ से आई? मैं काकीनाडा से आई। काकीनाडा से। तो आपका ऑनर्स क्या था? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। तो आप बताएंगे कि आपका टेबल नंबर कितना था? टेबल नंबर 6। तो आज आपको इंटरव्यू बोर्ड में जब आप गई तो पहला क्वेश्चन क्या किया गया? पहला तो ये पूछा गया, नाम पूछा गया। अच्छा। उसके बाद कहाँ से आई हैं, तो मैं बताई काकीनाडा से, तो पूछे काकीनाडा से कहाँ से आई हूँ। अच्छा। तो बताएं एड्रेस बताएं, उसके बाद वहाँ पे कौन सा स्कूल है उर्दू मीडियम का, स्कूल का नाम बताएं। अच्छा। फिर आप माध्यमिक किस साल दी हैं बताएं, उसके बाद आप अभी मतलब किस में ऑनर्स की हैं, मतलब ग्रेजुएशन में क्या था बताएं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स था और पास सब्जेक्ट में मैथ स्टैटिक्स था। तो बोले ठीक है। उसके बाद फिर मुझे डेमो के लिए बोली, डेमो देने के लिए, तो डेमो पूरा कंप्लीट किए डेमो। उसके बाद फिर मुझे एक मैम और थी, वो बोली कि अच्छा बच्चे लोग को ज़रब पढ़ाना है, 235 को 15 से ज़रब करना है, तो ये बच्चे लोग को करके दिखाइए बोर्ड पे। तो वो बताएं, उसके बाद बोली ठीक है बैठ जाइए। उसके बाद और क्वेश्चन पूछी कि अगर आपके क्लास में एक मोटा बच्चा है और एक पतला बच्चा है, तो आप उन लोगों को क्या नसीहत दीजिएगा, मतलब आप बच्चा जो है पतला बच्चा जो है अंडरवेट है वो बच्चा, तो उसको क्या बोलिएगा, मतलब नसीहत क्या दीजिएगा। तो मैंने बताया कि जो अंडरवेट है उसको मतलब बोलेंगे कि ऐसे खाना खाने, न्यूट्रिशन वाला खाना खाने के लिए, फिर उसके पेरेंट्स से भी मिल के उसके पेरेंट्स को भी बताएंगे कि मतलब क्या बच्चे को सही से ध्यान देने के लिए उसका सेहत का, और मोटे बच्चे को ये बोलेंगे कि जंक फूड वगैरह नहीं खाने के लिए। अच्छा, तो बोली ठीक है। तो आपसे शेरो शायरी वगैरह नहीं पूछा? हाँ, फिर पूछी कि अच्छा आप तो उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ाइएगा, तो उर्दू से रिलेटेड क्या जानती हैं आप? अच्छा। तो मैंने बोला उर्दू से रिलेटेड मतलब क्या, उर्दू क्या है ये? तो बोली नहीं, उर्दू का किताब का ही, अच्छा कुछ शायर का बता दीजिए। अच्छा। तो मैंने बताया एक शायर का याद मतलब तैयारी करके आए थे, तो उनके बारे में बताएं, उनका शायरी बताएं। तो बोली ठीक है। अच्छा, तो आपसे आप जो शेर जो सुनाएं, तो किस शायर का सुनाएं आप? मोमिन खान मोमिन का। अच्छा, मोमिन खान मोमिन, क्योंकि पहले से पता था कि इकबाल गालिब और मीर का वो लोग सुन सुन के बोर हो गई, हाँ इसीलिए मैंने दूसरे शायर का ही याद किया। तो जब आप शेर जब उनको सुनाएं, तो उनका उसका तसरी भी करने के लिए कहा गया? तसरी के लिए मुझे नहीं बोला गया। जब शेर सुनाएं तो उससे आपसे मीनिंग भी पूछा गया क्या? नहीं, मीनिंग भी नहीं पूछा गया। अच्छा अच्छा, तो आप सेटिस्फाई हैं ये? हाँ बहुत बहुत, वो लोग बहुत खुश थी, बहुत अच्छी भी थी, उन लोग बहुत हेल्प भी की, जो मुझसे मतलब गलत हो रहा था। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि बच्चे लोग को हाथ धोने का क्या प्रोसेस है। अच्छा। अब तो मुझे समझ में नहीं है हाथ धोने का क्या प्रोसेस बताएं, तो फिर वो लोग बताएं कि निर्मल स्कूल है उसमें मतलब बताया गया है कि बच्चे लोग को कैसे हाथ धोना है ये। अच्छा। तो ये मैंने नहीं बताया, बाकी सब क्वेश्चन का सही जवाब दी। अच्छा, तो आप जब डब्ल्यू बी टेट पास की, कौन से ईयर में पास? 2017। आपका पहला इंटरव्यू है? पहला इंटरव्यू। अच्छा, तो आप इंटरव्यू देके सेटिस्फाई हैं? हाँ सेटिस्फाई। अच्छा, तो आने वाले दिनों में आप जो लोग जो आएंगे 2022 में इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको आप क्या कैसे तैयारी करने के लिए कहेंगे? पहले तो बोलेंगे डेमो का अच्छा से तैयारी करना है, क्योंकि डेमो पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, और उर्दू के कैंडिडेट हैं तो शायर के बारे में और किताब से रिलेटेड। मुझसे ये भी पूछा गया कि मतलब जो क्लास 3 में जो हिसाब किताब है उसका नाम क्या है, तो मेरा हिसाब इंग्लिश की किताब का नाम क्या है ये भी पूछा गया, तो किताब के बारे में भी देख लेना है, बस यही सब बोलना। तो आप तो जीके स्टडी मास्टर को रेगुलर फॉलो करती हैं, तो आपका जीके स्टडी मास्टर के लिए आपका क्या तासुरात हैं? आपकी वजह से तो इतना मतलब डर खत्म हुआ, मतलब 50% डर घर पे ही खत्म हो गया। पहले सोचे तो पहली बार मतलब ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है, इससे पहले KVS का भी इंटरव्यू दिए हैं, तो ये दूसरा इंटरव्यू था, लेकिन इसमें मतलब डर लग रहा था, लेकिन आपका इंटरव्यू देख के मुझे मतलब डर खत्म हो गया था, और बाकी डर जो आके भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू। तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया आपका, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैडम। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली अहमद है। अच्छा मैडम, आपका? मेरा नाम जरीन रहमान है। अच्छा। सर आप कहाँ से हैं? मैं कमेटी से आया हूँ। अच्छा, कमेटी से। सर मैडम आप? मैं टीटागढ़ से आई हूँ। टीटागढ़ से आई हैं आप। तो आपका टेबल नंबर कितना था? टेबल नंबर 6 था। 6 था। आपका भी 6? मैम हाँ सर 6 था। अच्छा, तो आपका ऑनर्स क्या? जी मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स। सर आपका? अकाउंट्स ऑनर्स। अकाउंट ऑनर्स।
तो आप जब गई अंदर टेबल मतलब जो है इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने जवाब दिया। उसके बाद मुझसे पूछे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने बोला मास्टर्स है। उसके बाद फिर पूछे कि मास्टर्स किस सब्जेक्ट में है, मैंने बोला कि हिस्ट्री ऑनर्स है और हिस्ट्री में ही मास्टर्स है। उसके बाद मैम मुझसे पूछती हैं, मुझको फिर डेमो के लिए बोली, तो मैंने डेमो दिया और डेमो मैंने फोनिक साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिया। तो मैं पढ़ा ही रही थी कि फिर बीच में मैम बोली कि ठीक है ठीक है, उसके बाद आप बैठ जाइए। फिर बैठने के बाद फिर मुझसे क्वेश्चन की कि मुझसे पूछी थी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछी थी कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को आप किस तरह पढ़ाएंगी, और मैंने जवाब दिया। उसके बाद फिर पूछी कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो स्किल है उसका क्या नाम है, मैंने बोला मैम सॉरी इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। फिर पूछी कि ठीक है कोई बात नहीं है, 1260 की किसी मतलब हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का नाम बताइए, तो फिर ये भी मेरे जहन में नहीं था, मैंने नहीं बताया, मैंने बोला सॉरी मैम नहीं मालूम। फिर मैम पूछी कि ठीक है आप फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताइए, मैंने बताया। उसके बाद बोली करेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने बताया। उसके बाद फिर पूछी बंगाल के करेंट एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने बताया। उसके बाद बोली कि 7 मई हम क्यों मनाते हैं, मैंने आंसर दिया। उसके बाद मैम बोली एक और सिचुएशन क्वेश्चन बोली कि आप क्लासरूम आप ऑफिस में बैठी हैं और कोई दूसरे टीचर आकर बोलते हैं कि क्लास में बहुत शोरगुल हो रहा है, तो आप क्या करेंगी, तो मैंने अपना आंसर दिया। उसके बाद फिर मैम ने बोला कि ठीक है अभी आप क्या करती हैं, मैंने बताया। उसके बाद मैम बोली कि ठीक है आप जा सकती हैं। अच्छा, तो सर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? मुझे पूछा गया कि मेरा हायर क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा। क्या है, मैंने वो बताया। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, अभी करंट कौन है, ये बंगाल के फर्स्ट प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन थे, अभी कौन है, गवर्नर कौन थे फर्स्ट, अभी कौन है, इससे पहले कौन था गवर्नर। अच्छा, फिर फिलासफी पूछे कि अपने एरिया के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, फिर पूछे आपको किसी सिलेबस से कोई नज़म याद है आपको, तो मैंने बोला हाँ मुझे याद है, मुझे नज़म सुनाई है, मैंने नज़म सुनाया। अच्छा, फिर उसका उन्होंने बोला ठीक है। फिर डेमो में मुझे अपनी चॉइस से बोला, मैंने यूज़ ऑफ आर्टिकल्स पढ़ाया। अच्छा, मैं वो डेमो ऑलमोस्ट आधा कम्प्लीट किया था, फिर उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाइए। अच्छा, तो मैडम आपसे शेरो शायरी वगैरह से कुछ क्वेश्चन? जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस मैं मुझसे पूछी कि आप मास्टर्स का पूछी थी। अच्छा। तो मैंने बताया और मैंने बोला कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ हिस्ट्री में, तो मैम बोली कि ठीक है और मतलब खुश हुई। और उसके बाद फिर मुझसे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछी, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछी थी मैंने बता दिया। उसके बाद मैम बोली कि ठीक है आप जा सकती हैं। तो आपसे अदीब वगैरह के भी नाम नहीं पूछे गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना पढ़ कर आई थी कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। सर आपसे कुछ पूछ नहीं कुछ नहीं पूछा गया, और भी किसी भी अदीब के बारे में नहीं पूछा गया। अच्छा, तो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन क्या किया गया? एक सिचुएशन ही था। तो मतलब जो है आप इंटरव्यू देके सेटिस्फाई हैं? हाँ, अच्छा, तो बहुत कम ही क्वेश्चन किए गए। मेनली जो है पोएम अच्छे से रिदम में। अच्छा। बोला गया तो सुनाने के लिए। अच्छा। हमने वो रिदम में पोएम सुनाया। अच्छा, तो नज़म जो आप सुना रहे थे तो वो उसको लिखना भी पड़ा गया? नहीं नहीं, सिर्फ बोली सुना। अच्छा। सिर्फ बोलने के लिए बोला। अच्छा, जब आप सुना रहे थे, जब बोल रहे थे आप नज़म, तो उससे मीनिंग वगैरह पूछा गया था? नहीं, वो अच्छे से सुन रही थी। अच्छा। कि मिस्टेक ना गलती ना हो। मैंने एक जगह कुछ किया तो हल्की सी हंसी, समझ गई पूरे ठीक है, समझ में आ गया, आपको याद है। अच्छा, तो मैडम आपसे ग्रामर वगैरह से कुछ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मतलब बड़ा क्वेश्चन मतलब जो है कम ही कर रहे हैं आप लोगों से। हाँ, पता नहीं क्यों, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू हो गया। अच्छा, तो मतलब आप इंटरव्यू देके सेटिस्फाई हैं? बस एक दो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया तो थोड़ा डर लग रहा है, बाकी बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो आप तो जीके स्टडी मास्टर को रेगुलर फॉलो करती हैं और देखे भी हैं आप, और तो मैं आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो 2022 में जो कैंडिडेट्स आएंगे यहाँ पे तालिब इल्म वगैरह, तो उनको आप मतलब जो है आप इंटरव्यू आने से पहले बहुत सारे तैयारियाँ की भी होंगी और आप किए भी होंगे, तो आप जो है उनको किस तरह तैयारी करने के लिए कहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि तैयारी तो हमें अपना बेस्ट देना है, सब कुछ पढ़ कर आना है। यहाँ पर नहीं मालूम किससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम बेहतर है कि हम अपना बेस्ट दें, और बाकी क्या बोलूँ, बस आप अपना बेस्ट दीजिए और कुछ भी नहीं। तो सर आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? वही बोलूँगा कि जो भी एक होता है क्लास 1 से 5 तक हम आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो एटलीस्ट उसकी क्या सिलेबस है उसको एक बार देख लें। अच्छा, उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे एक और क्वेश्चन याद है, मुझसे आरटी 2009 के बारे में भी पूछा गया था, मैंने आंसर दिया। अच्छा, हाँ ये उस वक्त मैं भूल गई थी आपको बताना, अभी जहन में आ गया। तो मैम एक तो बात एक और बात कहेंगे आपसे कि मतलब जो है आप तो यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हैं जीके स्टडी मास्टर को, तो जीके स्टडी मास्टर आपसे मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब जो है आप एक शेर सुना देते तो बहुत बेहतर होता। जी ज़रूर, किसकी शेर सुनाऊँ, किसी की भी? किसी भी एक शेर जो आपको अच्छा लगता हो। अच्छा ठीक है, मैं नज़ीर अकबर आबादी की शेर सुनाना चाहूँगी आदमी नामा से।
मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबखा, पढ़ते हैं आदमी ही नमा कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही इनकी चुराते हैं जूतियाँ। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं फैज़ अहमद फैज़ एक्सेशन बोलना चाहूँगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप लोगों को जिगे श्री मास्टर की तरफ से बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमने बहुत हेल्प किया आपके चैनल के जरिए से।